बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बता रहे हैं एक्सरसाइज यूनिट 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। सही ऑप्शन इसमें है बी। हैलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हैलाइड। हैलोजन जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनता है, हैलाइड्स बनाता है। सही ऑप्शन है इसमें ए। अल्कलाइन मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट। सही ऑप्शन इसमें है सी। अमंग द अल्कलाइन मेटल द मेटल विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लिथियम। लिथियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसके एटॉमिक साइज जो है कम है। द हैलोजन प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म इज आयोडीन। हैलोजन जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है वो क्या है, वो आयोडीन। टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस खासियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इस खासियत को फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द वर्ड अल्कली मीन्स एशेस। अरबिक वर्ड है, इसका माना है एशेस। द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम CaO इज बेसिक। CaO जो है बेसिक है, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है, बेस बनाता है हाइड्रोक्साइड सलबल बेस जिसे अल्कली भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल। इसमें रेडियम जो है ये अल्कली मेटल नहीं है। ग्रुप टू एलिमेंट आर नेम एज अल्कलाइन आर मेटल बिकॉज देयर ऑक्साइड आर बेसिक। इसके ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। इसके ऑक्साइड हमारे पास जो है वो बेसिक है। क्यों बेसिक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एट लीस्ट टू ग्रुप विद विच कंटेन ओनली मेटालिक एलिमेंट। तो इसका जवाब है हमारे पास ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट आर ऑल मेटल्स। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट आर ऑल मेटल्स। अल्कली मेटल्स ग्रुप वन ए, अल्कलाइन आर मेटल ग्रुप टू ए। दीज टू ग्रुप कंटेन ओनली मेटालिक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन मेटल विद ऑक्सीजन विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके रिएक्शन हमारे पास ग्रुप वन के केमिकल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये क्या है, ग्रुप वन एलिमेंट है, अल्कली है, सोडियम है, पोटाशियम है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है लिथियम, तो ये क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जब ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड में पोटाशियम जब रिएक्शन करता है तो ये पोटाशियम ऑक्साइड बनाता है। स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी बयान किए हैं। तो मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और शाइनी अपीयरेंस इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज सोडियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड राइट डाउन इट्स रिएक्शन आल्सो। तो इस सोडियम हमारे पास क्या है, इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट
and reduce most of oxide and halides of other metal. This method is applied to extract costly metal from their ore. तो इसकी रिएक्शन हमारे पास क्या है, सोडियम, यहाँ पर देखिए सोडियम 2 Na, प्लस Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है प्लस मैग्नीशियम, इसमें सोडियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन ऑफ मेटल इज हायर देन अल्कली मेटल, व्हाई? तो इसके रीज़न एक ये है कि हमारे पास जो है अल्कलाइन ऑफ मेटल के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्कली मेटल के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अल्कली मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जबकि अल्कलाइन ऑफ मेटल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने होंगे, एनर्जी लगानी होगी। इसी वजह से हमारे पास जो है अल्कलाइन ऑफ मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेट गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद है प्योर गोल्ड इज नॉट यूज फॉर आर्नामेंट्स, व्हाई? प्योर गोल्ड जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है, नरम और इजीली बेंड होता है, इसलिए ये आर्नामेंट में यूज नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ कॉपर मेटल को कंबाइन करते हैं ताकि इससे इसका स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा हो जाए, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ और हार्डनेस सख्त हो जाए। किसकी, गोल्ड के। गोल्ड जब कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। क्या बनाता है, अमलगम। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम? तो ये हमने बताया है, यहाँ पर आप देखिए यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, ये इसके यहाँ पर यूज मौजूद है। मैग्नीशियम इज लो डेंसिटी मेटल सो इट इज यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ लाइट बट टफ एलॉय सच एज ड्यूरामिन, अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम कॉपर और मैग्नीशियम मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसके बाद ये क्या है, ये इस्तेमाल दी जाएगा एलाइज आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट कार्स एंड मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी एट आर टू यूज इन फोटोग्राफी फ्लैश लाइट फोडर फ्लेम्स एंड फायर वर्क। ये इसकी यूजेज है। मैग्नीशियम कंपाउंड सच एज मैग्नीशियम आर मिक्स विद क्ले टू फॉर रिफ्रेक्शन ब्रेक्स फॉर फर्नेस लाइनिंग। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज इन टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री सोप फॉर्मेशन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसके बाद में राइट आउट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम। क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम के साथ लिख के, क्लोरीन जब सोडियम, राइट आउट द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करता है तो एक क्या बनाता है, N2OCl2। यहाँ पर क्या है, 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Cl2 टेंड्स टू फॉर्म 2 Na2 और Cl2। यहाँ पर ये है Na2
और Cl2 प्लस H2O ऐसा रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास हाउ डज आयनाइजिंग एनर्जी वैल्यू वेरी इन रो, तो यहाँ पता है कि द साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज डाउन द ग्रो, लेस एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या होता है, ये एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में चेंज होती है। What happened during displacement reaction in a halogen? इस पास में हमारे पास a more reactive halogen will displace a less reactive halogen from its halide solution. The reactivity of halogen decreases down the group. Order of reactivity. हमारे पास order of reactivity ये है, क्लोरीन जो है ये मॉडरेट जो है, इसके बाद है क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद एस्टेटीन, एस जो है एस्टेटीन का सिंबल है। तो ये है, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं टू एन ए बी आर सोडियम ब्रोमाइड है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, 2NaCl प्लस Br2 ये बनाता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ये तो आज हमारा था चार क्वेश्चन।